الله رب المكتب الإسلامي له من الأسماء اصطفاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعلى آله وأصحابه من بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम आज के बाद आज से हम अपना ये लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम इमाम अल गज़ाली रहमतुल्लाह ला का टेक्स्ट बिदायतुल हिदाया, द बिगिनिंग ऑफ गाइडेंस इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं तो आज हमारा पहला सेशन है इस पहले सेशन में हम थोड़ा फिर से जो इमाम रहमतुल्लाह रमतल ने इंट्रोडक्ट्री पार्ट दिया है इस किताब में और उसके बाद एक तो हम वो इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और उसके बाद इमाम रहमा उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे तो देखे दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है फरीजतुन मुस्लिम इल्मी दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है दूसरी एक हदीस में आप सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम और जाहिल या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं एक इल्म वाले या इल्म हासिल करने की तलब रखने वाले और दूसरा जो बेइल्म रहता है इल्म के साथ दिलचस्पी ना रखने वाले इन दो शख्सों के दरमियान इतनी फर्क है जितना फ़र्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अदना दर्जे के उम्मती के बीच का होता है तो इस हदीस से हमको ये हिंट मिलता है इस हदीस से हमको ये पता चल जाता है कि इलम की कितनी बड़ी अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वम के सामने उन्होंने कितनी अहमियत इम हासिल करने को दी है और बेशुमारहदीस है इस पर तो देखिए दोस्तों इमाम अल ग़ज़ाली रहमतुल्लाह रहा फरमाते हैं नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ बर्डन इम अमल के बिना एक बोझ हो जाता है तो एज मुस्लिम देखिए हम जो इल्म हासिल करते हैं ये इल्म हासिल करना इट इज़ नॉट जस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हम एक बुक लेते हैं थोड़ा इंफॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं बल्कि इस्लाम का ये है इस्लाम में आप थोड़ा सा इल्म सीखें उस पे अमल करो फिर से थोड़ा सा इल्म सीखें उस पे अमल तो ये मल अमल ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इलिम हासिल करूँ और अमल बिल्कुल भी ना करूँ तो ये अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं है इसी को इमाम अलग्ज़ारी रहा ने फरमाया कि अमल के बग़ैर एक बोझ बन जाता है इम अमल के बग़ैर एक बोझ हो जाता है और वो बोझ को उन्होंने मिसाल दी जैसे कि सूर जुमा में आ, एक आयत इस पर है बस एक आ, एक समझाने के लिए मैं इसी का एक मिसाल दूंगा जैसे कि मान लीजिए एक गधा है गधे के ऊपर हमने बहुत सारी डेढ़ सारी किताबें लाद दी बहुत ज़्यादा इल्म का ख़ज़ाना एक गधे के ऊपर हमने लाद दी तो गधे को थोड़ी पता है उन किताबों का वैल्यू कितना है बिल्कुल भी नहीं पता है उसको वो तो बस एक बोझ लेके चल रहा है उसको उन किताबों का इल्म उन किताबों के का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता रहता है और ऐसे कंपेयर किया जा सकता है उस इंसान को जिसने इल्म सीखा लेकिन अमल नहीं की दूसरे लफ्जों में एक हमारी कश्मीरी कहावत है कश्मीरी कहावत में हम, हम क्या कहते हैं खर के जैन ज़रान क्या आगो खराशन पता जाफरान क्या गो तेस ब्रोह कहीं अगर थाओ तेमिस घास तो गधा क्या करेगा सैफरान को घास समझ के खा लेगा उसको नहीं पता ये सैफरान इसकी वैल्यू क्या है तो इसी को कंपेयर किया उस इल्म वाले के साथ जिसके पास इल्म है लेकिन उसने उस पर अमल नहीं की तो यहाँ पे हमारे लिए एक नो वो सोच विचार करना चाहिए कि अल्लाह ने अगर मुझे इल्म दिया है तो क्या मैं इस पे अमल कर रहा हूँ कहीं मैं भी जाने अनजाने में उस गधे के साथ तो कंपेयर नहीं हो रहा हूँ देखे इल्म की ऑफ कोर्स डिग्रियाँ हैं उसमें किसी को बहुत ज़्यादा इल्म है किसी को थोड़ा सा इल्म है अब अगर कोई सुनने वाला वो कहेगा कि थोड़ा सा ही इल्म है मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की तरफ से है अगर आपको सिर्फ ये इल्म है कि नमाज फर्ज है तो आपको नमाज नहीं छोड़नी चाहिए आपको पाँच वक़्त का नमाजी हमेशा रहना चाहिए क्योंकि आपके इल्म में आ चुका है नमाज फर्ज है ठीक है आपके इलम में आ चुका है कि रोज़ा रखना फ़र्ज है तीस दिन का जो रमदान के तीस दिन के रोज़े फ़र्ज है तो बिना किसी उज्र के आप वो रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो अगर इतना ही इलम रहता है तो इस इलम पे अमल हो गया तो अल्लाह राज़ी है अब दूसरे साइड में किसी के पास इल्म के बहुत ज़्यादा ख़जाने उसके पास मौजूद है लेकिन अमल से क्या है कि अमल बिल्कुल भी नहीं है तो उसमें अल्लाह नाराज़ है ठीक है तो इसी को इमाम अलगाली रहा ने फरमाया कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ ए बर्डन और इस बोझ को बराबर वो गधे के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाए इस बोझ को बिल्कुल वैसे इसको उसके साथ कंपेयर किया तो ये एक पहली चीज है पहली चीज क्या है इल्म ठीक है पहले रसूल पाक अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं इल्म हासिल करो दूसरी बात इल्म हासिल करो लेकिन उस पर अमल भी करो अब यहाँ पे तीसरा टॉपिक ये आ जाता है फिर इमाम रहमतुल्लाह रहम फरमाते हैं एक्शन विदाउट नॉलेज मिसगाइड्स। देखे हम कोई अमल करेंगे और हमें उस अमल के करने का इल्म नहीं है तो वो एक बद का जरिया बन जाती है मसलन, कोई अमल बिना इल्म के अगर किया जाए तो वो अगरचे मतलब अल्लाह के करीब जाने के की नीयत से कर रहे हैं लेकिन क्योंकि इलम की वहाँ पर कमी है इम नहीं है तो उससे क्या होता है वो अल्लाह के नज़दीक होने के बजाय वो अल्लाह से दूर हो जाता है देखिए मिसाल लेते हैं मान लीजिए मैं कल आके कहा कि मैं मगरब पर तीन नहीं चार रक़त फ़र्ज नमाज पढ़ूँगा मगरब की नमाज जो है मैं तीन के बजाय चार पढ़ूँगा तो ऐसे ज़ाहरी तो मैंने एक रकात ज़्यादा की दो सजदे ज़्यादा किए एक रुकू ज़्यादा किया करत ज़्यादा हुई तो फिर तो ऐसे तो मुझे ज़्यादा सवाब मिलना चाहिए लेकिन क्या क्या होगा ये नमाज़ कबूल नहीं और इस नमाज एक तो ये इबादत कबूल नहीं दूसरा ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाता है अब आगे चलते हैं आ, दो मिसाल है मेरे पास मैं इन दो एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ एक मुफ्ती साहब से सुना हूँ मैं आ, तो उन्होंने फरमाया कि फ़लस्तिन में ठीक है फ़लस्तन हाँ फलस्तिन में एक बंदा था एक गाँव है वहाँ पे एक ऐसे एक जवान लड़का वो क्या किया कि इल्म हासिल करने की इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से किसी दूसरी सिटी में जा रहा है तो अभी पूरे इसके घर वाले सब रिश्तेदार सब बहुत खुश है और सब ये पूरे गांव वाले भी कि ये कह के हमारा ये बेटा जाके इल्म हासिल करेगा और हमारे गांव में भी एक आलिम होगा तो जिस दिन वो जा रहे थे ये अपने इस मदरसे तो सब गांव वाले दोस्त रिश्तेदार आके उनको अलविदा कहने आ गए रुखसती के लिए तो फिर जब ये चला गया एक साल के बाद वापस आया तो ये सब गांव वाले सभी जमा थे पूछा कि बेटा कितना इलम हासिल किया और इन्होंने पता ही जवाब क्या दिया बोला कि मैंने इतना इलम हासिल किया कि अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास सारा इल्म है ऐसा लगा इसको ठीक है और फिर क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना था फिर से अगले साल वो चला गया मदरसे तो एक साल के बाद फिर से जब वापस आया फिर से गांव वालों ने सवाल किया सब घर वालों रिश्तेदारों ने यह सवाल किया बेटा अभी कितना इल्म है आपके पास बोले कि मेरे पास आधा इल्म है कितना आधा इल्म है पहले कितना बोला कि मेरे पास पूरा इल्म है सब कुछ मैं जानता हूँ तो दूसरे साल में ये बोला कि उसका आधा ही है फिर तीसरे साल भी ऐसे जब तीसरे साल आया तीसरे साल में फिर से यही सवाल किया गया इसको जब वापस आया मदरसे से बोला कि बेटा कितना इल्म है आपके पास तो ये क्योंकि उस वक्त एक इल्म वाला बन चुका था दरअसल असल में ये इल्म वाला बन चुका था तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कुछ भी इल्म नहीं तो इसे पता चलता है कि इल्म एक समंदर है अगर कोई ये कहे कि मेरे पास बहुत सारा इल्म है तो मैं उनके लिए एक सजेशन देता हूँ कि देखिए हम सब को हम सब के लिए इम्प्लीमेंट हो जाता है कि अगर मेरी नीयत में ऐसा लग रहा है कि अंदर से कहीं से मुझे ये आवाज़ आ रही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है तो मुझे अपनी नीयत को अपने अंदरून को अपने बातिन को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि ये एक समंदर है और इस समंदर की गहराई का किसी को नहीं पता आ, इस पर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जवानों को तो जो अभी यंगर जनरेशन सुन रहे हैं आपको पता है गूगल मैप मान लीजिए गूगल मैप से आप श्रीनगर सिटी देख रहे हैं आपने बस गूगल मैप में डाल दिया श्रीनगर सिटी और आपको बस इसलिए देखना है कि मैं पूरा एक दिन में मैं इस पूरे सिटी को घूमना चाहता हूँ अब आपने जो ही गूगल मैप में डाल दिया तो इतू सा एक आ, मैप पे आ जाएगा कि ये श्रीनगर सिटी है और आपको क्या लगेगा हाँ ठीक है एक दो घंटे में तो पूरा कवर हो जाएगा फिर अगर जब जैसे ही आप इसको जूम करने बैठेंगे आप जूम करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बढ़ रहा है ठीक है आप थोड़ा जा रहे हैं ये बढ़ रहा है फिर से थोड़ा जूम कर रहे हैं यह बढ़ रहा है तो तब आपको एहसास होगा कि नहीं भाई एक दो घंटे एक दो दिन का काम नहीं है सिमिलरली ऐसे आप ये तो मैंने बस एक सिटी का एग्जाम्पल दिया अगर आप किसी ओशन को एक समंदर को गूगल मैप पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिखेगा आप कहेंगे ठीक है एक कश्ती लेके मैं दो घंटे दो में इसका सफ़र कर लूँगा फिर जैसे ही आप जूम करेंगे आपको दिखेगा कि कितना बड़ा समंदर है इस समंदर को तैरने में इस समंदर को पार करने में बहुत आ, महीने लगेंगे और फिर इस समंदर की गहराई का भी नहीं पता इस समंदर की गहराई कहाँ तक है वो भी नहीं पता मेरे दोस्तों ये मिसाल है बिल्कुल इल्म की तो इल्म के बारे में ऐसी राय रखना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है फिर अल्लाह ना करे इस पर तकबर करना घुमंड करना और फिर उस पर उसको एक क्या है ना कि वो एक दौलत बनाने का जरिया बनाना या उससे अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करना तो बहरहाल ये सब चीज़ें अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम कवर करेंगे इमाम अल गजाली रहमत लिया उनकी क्या क्या राय है इस बारे में ठीक है तो यहां तक हमने फिर से मैं समराइज करना चाहता हूँ समराइज करके देखिए पहली बात हमने ये डिस्कस की कि इल्म का हासिल करना हर इंसान पर हर मुसलमान पर फर्ज है इल्म के साथ अमल करना लाजमी बनता है अमल बिना इलम के एक बद हिदायती का ज़रिया बन जाती है और इल्म का कोई बोलते हैं ना वो कोई लिमिट नहीं है जो जितना इलम सीखता है उसको उतना लगता है कि मेरे पास कुछ इल्म नहीं है क्योंकि ये समंदर ऐसा है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता अब जो कि हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए वो है इल्म हासिल करना तो मेरे दोस्त देखिए हर चीज़ के करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है एक एस रहता है राइट right? तो वैसे ही इल्म हासिल करने का एक प्रोसेस रहता है एक प्रोसीजर रहता है एक एक निज़ाम रहता है और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है अगर उन चीज़ों को मद्दनज़र रखते हुए अगर वैसे फॉलो ना किया जाए तो फिर वो इम एक तो इल्म वैसे मिलता नहीं है दूसरा इलम की जो इसमें एक नूर रहता है वो भी इंसान को हासिल नहीं होता तो देखिए इलम हासिल करने के लिए कोई भी इल्म, लेकिन हम यहाँ पे इस्लामिक आ, की बात इस्लामिक नॉलेज की बात कर रहे हैं तो इस इल्म को हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए सिंसियरिटी ठीक है इखलास रहना चाहिए मैं क्यों हासिल कर रहा हूँ किस लिए हासिल कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी को दिखाने के लिए इलम हासिल कर रहा हूँ मैं दौलत शोहरत के लिए इलम हासिल कर रहा हूँ नहीं बल्कि नीयत ये रहनी चाहिए कि इस इलम को मैं हासिल करूँ इल्म से मेरा अमल दुरुस्त तो हो जाए और जैसे इलम से मेरा अमल दुरुस्त हो गया मैं अल्लाह के करीब जा सकता हूँ मुझे अल्लाह की हिदायत मिल सकती है और मैं ऐसा बंदा बन सकता हूँ जिसके साथ अल्लाह मोहब्बत रखे ये एक अखलास रहना चाहिए और फिर देखिए अब इखलास के साथ फिर इल्म हासिल करना ठीक है इसके कुछ आदाब है कुछ आदाब बहुत ज़रूरी है जैसे कि देखिए मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ तो मुझे पता होने चाहिए मेरे उस्ताद के आदाब क्या है मैं किसी मोली साहब मैं अपने किसी टीचर अपने किसी मुफ्ती साहब के पास जा रहा हूँ किसी इल्म के लिए ठीक है तो मुझे पहले ये आदाब रहने चाहिए कि मेरा उस्ताद के साथ मेरा अपने इस टीचर के साथ सलूक कैसा रहना चाहिए ये एक चीज़ है अब चूंकि हम अभी ये डिजिटल एज में रहते हैं अभी और भी दो चीज़ें हैं लेकिन पहले मैं ये उस्ताद पे एक ज़रूरी बात कहूँ ये उस्ताद का एहतराम ये क्यों ज़रूरी है क्योंकि हम एक डिजिटल एज में रहते हैं और इस डिजिटल ऐज में क्या है कि अब हमको किसी उस्ताद के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब जो चाहे घर बैठे इलम हासिल कर सकता है लेकिन और यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक नॉलेज ही नहीं है मैं कोई भी टॉपिक लूँ आप बिज़नेस लीजिए इन्वेस्टमेंट लीजिए कुछ भी लीजिए कोई भी टॉपिक लीजिए आप तो इल्म हासिल करने के लिए हमारा एक उस्ताद रहता है एक डिजिटल उस्ताद रहता है ठीक है तो देखिए इसके साथ भी हम, हमें हमें आदाब मतलब इवन अगर हम ऑनलाइन है हम आमने सामने नहीं है उस्ताद के लेकिन हमें फिर भी दिल में ये एहतराम रखना चाहिए कि मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ कम से कम टांगे फैला के तो ना बैठूं इस आलिम का ये आ, इन्होंने एक वीडियो दिया है आलिम ने कुछ ज़रूरी बातें कही हैं कुछ ज़रूरी नसीहत की है तो मैं कम से कम टांगे ना फैलाऊं मुँह में एक सुट्टा लेके ऐसे आ, सुट्टा भी फूकूँ और यहाँ से अपने टीचर का अपने उस्ताद का लेक्चर भी सुनूं तो ऐसे क्या हो जाता है ये एक काइंड बेअदबी हो जाती है कम से कम अगर 10 मिनट का कोई लेक्चर है कम से कम वो 10 मिनट ठीक है अगर आप टांगे ही फैला रहे हैं कम से कम सिगरेट तो बंद कीजिए कम से कम उस टाइम में आप वो सुनने के लिए वो जो घर का डिस्ट्रैक्शन रहता है बीवी से भी बात बच्चे से भी बात वहाँ से टीवी का भी चलना यहाँ से और कुछ डिस्ट्रैक्शन तो फिर क्या होता है ना वो इलम जिस वो मतलब वो वीडियो वो लेक्चर जिस गरज़ से आप सुन रहे होते हैं वो गरज़ पूरी नहीं होती वो इसलिए क्योंकि हम बेअद भी दिखाते हैं हम बेअदब हो जाते हैं उस वक़्त अपने उस्ताद के साथ इवन दो अगर हमारा उस्ताद हमको देख नहीं रहा है हम बेअद भी कर रहे हैं हम पूरा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से हमको वो इल्म हासिल नहीं होता और अभी अगर एक सर्वे करें Uh, मैं अगबार अभी मतलब अपने बहुत जवानों को ये कहूँ वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का सुनते रहते हैं वो ठीक है न्यू न्यू जो जो नई नई टेक्निक्स वगैरह है इस डिजिटल दौर में वो सुनते रहते हैं लेकिन जिंदगी में एक परसेंट का भी चेंज नहीं आता है वो इसलिए क्योंकि वो अदब नहीं वो एहतराम ही नहीं वो अगर मैं किसी अपने कोच का देखिए मैं कुछ नॉलेज ऑनलाइन अभी पढ़ रहा हूँ और पढ़ाने वाला यू का है कहाँ का यू का बड़ा पढ़ा, पढ़ाने वाला है और मैं यहाँ कश्मीर का अब देखिए अगर पुराना ज़माना होता तो मुझे आ, इस इल्म को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता यूएसए जाना पड़ता जो कि आ, कभी पॉसिबल हो भी सकता था ना भी हो सकता था अब ये इंटरनेट के ज़रिए इंटरनेट की वजह से इस क्या ये मतलब आ, कितना कीमत इसको बताई कितनी नियामत कितनी बड़ी नियामत अल्लाह की तरफ से हमें ये इंटरनेट मिला है और इसके ज़रिए हम मतलब मैं घर बैठे यू वाला लेक्चर सुन रहा हूँ फेस टू फ़ेस मतलब ये वर्चुअल सेशंस ले रहा हूँ तो मतलब कितनी बड़ी नियामत है तो इसके लिए ना हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था लेकिन हम तो एक तो हम नाशक्रा बन चुके हैं और दूसरी चीज़ से फिर जब हम ये उस्ताद का लेक्चर सुन भी रहे हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं इवन दो तो अगर हमारे उस्ताद देख भी ना रहे लेकिन अल्लाह तो देख रहा है अल्लाह को तो उसको तो वो इखलास देखना है ना आपके दिल ना दिल का कि ये बंदा सुन कैसे रहा है तोज्जो दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो मेरे दोस्तों तो खुलासा यही हुआ आप कोई भी इल्म सीख रहे हैं चाहे दीनी है दुनियावी है जहाँ पे भी सीख रहे हैं आप घर में बैठे इंटरनेट पे सीख रहे हैं मदरसे में जाके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके सीख रहे हैं अपने टीचर का अपने उस्ताद का एहतराम बहुत ज़रूरी है और वही हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया है मतलब आप आपका टीचर मिल जाए आपने उसका उसके हाथ में बैग है तो ज़रूर उसका बैग उठाना है ये हमारा इस्लाम सिखाता है उनके खुद उतना ज्यादा ज़ोर से बोलना नहीं है उतना ज़्यादा हंसना नहीं है कि उनकी आवाज़ के ऊपर चला जाए यह ख्याल रखना है तो जब यह दिल से ये ख्याल रहेगा अपने उस्ताद का तो अल्लाह भी फिर, फिर फिर वो इल्म के दरवाजे खोलता है तो ये आदाब था इलम हासिल करने का यह एक आदाब था उस्ताद का एहतराम दूसरा आदाब है किताब का एहतराम किताब का एहतराम तो किताब को भी इज़्ज़त बख्शनी है ऐसे ही फ्लोर पे पढ़ने नहीं देना है और या फिर किताब का किताब की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि किताब को पढ़ना है देखिए अगर मैं अपनी अगर मैं किताबें परचेज़ कर रहा हूँ किताबों की एक लाइब्रेरी बना के रखी हुई है लेकिन इस किताब को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो याद रखिए कयामत के दिन ये किताब बोल के उठेगी अल्लाह के सामने कि अल्लाह इसने मुझे परचेज़ किया इसने पैसे खर्च किए इसने फ़लानी फ़लानी लाइब्रेरी से ये किताब उठाई लेकिन जो फिर मेरे अंदर जो इल्म मौजूद था उसको इसने हासिल नहीं किया इसने मुझको बस ऐसे शेल्फ पे पढ़ने रहने दिया लाइब्रेरी में पढ़ने रहने दिया मुझे इल्म, मुझे इल्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो ये भी कि ये किताब की एक इज्जत है किताब को इज्जत करना है कुरान है हमारे हाथ में कुरान को हम आप देखिए किसी भी मदरसे में या कोई भी आपको ये अलो नहीं करेगा कि किताब को अपने साइड में कुरान को खासकर अपने साइड में ऐसे उठा के या बैक पैक में ऐसे लेके जाओ बल्कि कुरान को हम कैसे दाएँ हाथ में ले सीने पर दिल पर रख के ऐसे उसका एहतराम करते हैं सिमिलरली बाकी किताब का ठीक है कुछ किताबों को हम सीधे पीछे बैग में वगैरह में ले जा सकते हैं लेकिन किताबों का मेन जो उनका इज्जत है उनको पढ़ाई करना वहां से वो इल्म खींचना ठीक है और फिर उस पर अमल करना और तीसरी बात है दर्जगा ठीक है इल्म हासिल करने के लिए जो आदाब है एक उस्ताद के आदाब दूसरे किताब के आदाब, तीसरे जहाँ पे आप ये इल्म सीख रहे हैं वहाँ के आदाब मान लीजिए मस्जिद में कोई लेक्चर हो रहा है मस्जिद में हम कुछ आ, इल्म हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारे मौली साहब कुछ पढ़ा रहे हैं तो तब मस्जिद में हमें फेसबुक ट्विटर यूट्यूब वगैरह इसके साथ छेड़ना नहीं चाहिए हमें अपने फोन बंद रखने चाहिए हमें क्लास में बैठे हुए हैं हमारे टीचर आगे पढ़ा रहे हैं कोई भी इल्म है। तो क्लास रूम में हम बैक बैग चाहे बैग वेंचर हो चाहे मिडल हो या फ्रंट हो हम अपने फोन को बिल्कुल साइलेंट रखेंगे क्योंकि इससे दो चीजें हैं देखिए एक तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है दूसरा ओबियसली नुकसान तो पढ़ने वाले का ही होता है और पढ़ाने वाले का तो नुकसान नहीं होगा लेकिन पढ़ने वाले का नुकसान होगा और साथ में वो फिर अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करे उस इम का जो वो इखलास था वो इखलास ही बिगड़ जाता है और उसके लिए वो फिर ये सब बनता है कि वो इलम उसको नहीं मिलता है वो उससे महरूम हो जाता है ठीक है तो ये ये एक सिंसियर रेस्पेक्ट देना है किसको उस्ताद को किताब को और जहां हम पढ़ने जा रहे हैं एक बार हमने ये तीनों ये एक एस है एक बार हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया तो हम एलिजिबल इलिज, हो जाते हैं इलम हासिल करने के लिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं द बिगिनिंग ऑफ गाइडेंस लेकिन उससे पहले जस्ट कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इमाम अल ग़ज़ाली अगाली रहमा तो इमाम अल्ग, इमाम अल ग़ज़ाली अलगाल वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो फ़ैमिली बस स्कॉलर्स की थी मतलब आ, उनके उनका एक भाई भी जो इमाम थे और आ, आ, इमाम रहमा के जो वालद मोहतरम थे इमाम इमाम अलगाली बहुत ही छोटी उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हुआ और इमाम अल अलग ने मतलब दिन रात दिन रात उन्होंने मेहनत की इलम हासिल करने में और इसी इसी दौरान एक एक मसला पेश आया मसला कुछ ऐसा था कि उस वक्त में इमाम अल अलग रही के उनके दौर में जब वो यंगर एज के थे तो तब क्या हुआ कि जो स्कॉलर्स थे स्कॉलर्स यूजुअली क्या करते थे इल्म हासिल इसलिए करते थे वो एक अखलास नहीं था इलम हासिल करने में आ, वो क्या करते थे इल्म हासिल करना उनके लिए एक डिबेट करने के लिए का एक जरिया होता था या फिर अपना नाम दौलत शहरत रुतबा ऐसा कमाने के लिए वो इलम हासिल करते थे तो उनका अखलास ही बिगड़ चुका था और जैसे कि इमाम इमाम अलगज़ाल एक मिसाल दे रहे हैं कि उस दौर में एक एक मस्जिद थी ठीक है अब मस्जिद का इमाम चुनना था तो मस्जिद के इमाम चुनने के लिए वो लोग क्या करते थे पंद्रह बीस मौलवी साहब को लेके आ गए मस्जिद में रखा और कहा कि चलिए डिबेट करो बीस मौलवी साहब को मस्जिद में लेके आए और कहा डिबेट करो डिबेट करने में जो सबसे ज़्यादा अच्छा डिबेट करेगा मतलब जो बाकी सब के अपने आर्ग्यूमेंट से ठीक है हराएगा जो वो डिबेट जीतेगा वो इमाम कहलाए वो मतलब उस मस्जिद का इमाम हो जाएगा तो इस पर इमाम अलगज़ा रहमत ने उन्होंने चैलेंज किया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए इमाम बनने के लिए तो एलिजिबिलिटी है कि इमाम का करेक्टर इमाम का कुरान पढ़ना इमाम की लर्निंग इमाम की यू नो वो स्परिचुअल स्परिचुअल नॉलेज उसका क्या है वो स्परिचुअली वो कितना अल्लाह के करीब है तो इमाम का तो इमाम सिलेक्ट करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है तो इमाम अलगज़ाल रम्ल इन चीज़ों को देख के वो बहुत आ, मतलब ये आ, ये चीजें बहुत उनको आ, मतलब है ना परेशान करती थी और आ, उस टाइम एक, एक किस्सा पेश हुआ एक जो उस टाइम का बादशाह था ठीक है वो बस वो भी एक कहानी इसके साथ मतलब ताकि हमको थोड़ा इल्म हो इमाम अल गहमतल का तो तब क्या हुआ जो उस टाइम का बादशाह था वो बादशाह ने एक एक इंस्ट्यूट था एक मदरसा दरसगा कहें तो वो एक दरसगा था उस दौर में और उस दरसगाह से क्या होता था जो उस दरसगा का प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट एक इवल स्कॉलर के फॉर्म में निकलता था मतलब जो भी इलम हासिल करके उस इंस्टीट्यूट से बाहर आता था वो करप्ट स्कॉलर रहता था करप्ट मतलब उसके दिमाग में ही ये रहता था कि मुझे अब डिबेट करना है अपना नाम कमाना है दौलत कर कमानी है शोहरत कमानी है ऐसा उसका इंटेंशन रहता था तो ये जो बादशाह उस दौर का था वो तंग आ गए इससे बोला कि यार ऐसा मदरसा रखने में कोई फायदा है नहीं क्योंकि ऐसा दर्जगा है कि जहां से लोग करप्ट करप्ट लोग निकल रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको बंद ही कर दूँ अब जब इस बादशाह ने यह डिसीजन लिया कि मैं ये मदरसा बंद करने वाला हूं लेकिन उसने अपने दरबारियों से कहा कि चलो एक आखिरी बार मैं थोड़ा वहाँ की सैर करके आऊं वहाँ देख के आऊं और अपनी आंखों से कुछ हालात का जायजा तो लूँ तो इसने अपना गेटअप बादशाह ने अपना गेटअप चेंज किया तो बादशाह की आ, उस गेटअप में नहीं गया एक आम इंसान की शक्ल में वहाँ चला गया तो जब उधर इंस्टीट्यूट में पहुँचा तो इंटरव्यू शुरू करना इंटरव्यू करना शुरू कर दिया एक बच्चे पे नज़र पड़ी एक बच्चे को कहा बेटा तुम क्यों हासिल कर रहे हो वो पढ़ाई कर रहा था तो क्यों इल्म हासिल कर रहे हो तो वो बच्चे ने जवाब दिया कि आ, मैं इल्म इसलिए हासिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो अब्बा है मेरे जो वालिद हैं मेरे वालिद एक बड़ी मस्जिद के इमाम हैं और मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे और अगर तुम अच्छे स्कॉलर बन के आओगे एक अच्छा इमाम बन के आओगे तो जो मैं अपना ये इमाम है इस मस्जिद का आ, मेरे बाद आप रहोगे और उस सैलरी पर मतलब आपको फिर वो सैलरी मिल जाएगी तो ये इंटेंशन था बच्चा बच्चे के दिमाग में ये भर गया था कि मैं इलिम किस लिए हासिल कर रहा हूँ तो बादशाह तो बहुत मायूस हो गए फिर उसके बाद और एक बच्चा उस बच्चे से पूछा बेटा तुम इलम क्यों हासिल करना चाहते हो तो वो बच्चा बोला कि आ, मैं इम इसलिए हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डिबेट करना है मुझे डिबेट करना है आ, क्यों डिबेट करना है आ, बोला कि अरे इतने अच्छे अच्छे डिबेटर्स है वो लोग अपना नाम कमा कमा रहे हैं उनकी इतनी अच्छी दौलत ऐ, ऐसा रुतबा वगैरह है तो इसलिए मुझे भी एक ऐसा इल्म चाहिए ताकि मैं डिबेट कर सकूं तो, बा, तो बहरहाल बादशाह ने ऐसे बहुत सारे बच्चों को ऐसे इंटरव्यू किया तो उससे वहाँ पे लगा कि ये तो सारे करप्ट है अब जाने से पहले अब वो निकल रहे थे तो पूरा ठान लिया कि अब इस इंस्टीट्यूट को बंद करना है तो जैसे ही वो जा रहे थे एक कोने पे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था ये उधर चले गए बोला अब इस बच्चे से भी सेम सवाल किया बोला कि बेटा आप क्यों पढ़ रहे हो तो वो बच्चा बोला जाइए यहाँ से मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास जाइए यहाँ से तो बादशाह जो है वो थोड़ा दिलचस्प हो गया कि ये तो एक ऐसा पहला आइटम ऐसा मिला कि जिसने मतलब आ, पहला मतलब जिसने ऐसे इस अंदाज में बात की तो बादशाह को दिलचस्पी आ गई इस बच्चे में तो थोड़ा इंसिस्ट किया बेटा बोलो ना क्यों क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे तो वो फिर से बोला कि मेरा टाइम ज़ाया मत कीजिए आप प्लीज यहाँ से चले जाइए मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए तो बादशाह के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो बच्चा बोला देखिए मेरी माँ का एक ख्वाब है कि मैं एक अच्छा आलिम बनूं, एक अच्छा आलिम बनने के बाद मैं पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाऊं और इस्लाम की ख़िदमत अंजाम दे सकूं। तो बादशाह क्या है कि बादशाह पूरा हैरान हो गया कि अरे यार एक बंदा तो मिल गया यहाँ पे एक बच्चा ऐसा ऐसी नीयत ऐसा इख़लास रखने वाला बच्चा तो अब जब बादशाह जा रहे थे तो उसने अपने इन जो उसका वज़ीर वगैरह जो भी थे इंतज़ामिया उनसे कहा कि नहीं मदरसा बंद नहीं होगा क्योंकि अगर इस मदरसे से नौ सौ नन्यानवे नाइन 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 अगर करप्ट निकलेंगे लेकिन वो एक ऐसा इमाम निकलेगा जो कि पूरी तब्दीली ला सकता है और पता है फिर कुछ टाइम के बाद एक बच्चा वहाँ से ग्रेजुएट होके आता है और वो बच्चा था इमाम अलग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तो ये था मतलब ये था उनका वो एक यंगर स्टूडेंट जब इमाम अलग रहम थे और फिर इमाम अलग रहमतुल्लाह का ना उन्होंने बहुत सफ़र किया है ट्रैवल किया है बहुत एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक सिटी से दूसरी सिटी बस इस ख्वाहिश से कि इल्म को हासिल करना है तो एक बार वो एक सफ़र से वापस आ रहे थे और उनके साथ कोई सामान था रास्ते में कुछ डाकू डाकू ने लूट लिया वो पूरा सामान पूरा सामान चुरा ले गए और अब जैसे वो सामान ले गए तो इमाम साहब उनका उनको थोड़ा फॉलो करने लगे और इमाम साहब की जो उनका जो बॉडी था वो कुछ बॉडी बिल्डर वगैरह तो थे नहीं बहुत हम्बल थे और ये चोर जो है थोड़े वो जो डाकू है वो बोले कि भाई क्यों पीछा कर रहे हो माल तो ले लिया अब क्या जान भी आ, 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 ये लेनी है हमने तो इमाम साहब ने कहा नहीं आप सब कुछ जो आपने ले लिया है आप सब कुछ रखिए लेकिन उस सामान के साथ मेरा एक बैग है उस बैग में मेरी किताबें हैं मेरा सारा इल्म आ, वरना ज़ाया हो जाएगा वो मुझे लौटा दीजिए तो वो जो डाकू है डाकू थोड़ा हंस पड़े इन पे इमाम पे हंस के कहा कि आप खुद को आलिम कहते हो जो कि किताबों पे इतना ये डिपेंडेंट हो किताबों पे अगर हम ये बैग लेके गए तो आपके पास कुछ इल्म नहीं रहेगा क्योंकि तो आप इतना मतलब ये किताबों पे डिपेंडेंट हो तो बहरहाल वो डाकू भी कुछ अच्छाई उनमें भी थी तो उन्होंने ये बैग वापस कर दिया तो वापस बैग वापस लेने के बाद जब वो घर आए तो पहला काम उन्होंने ये किया कि वो बैग में जितना भी इलम था जितनी भी किताबें थी वो सब दिमाग में भर लिया मतलब उसको हिव, उसका हिफ्स कर लिया तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब उनकी माँ इमाम साहब की माँ रहमत ला तो उनकी माँ उन पर बहुत फ़ख्र फील करने लगी बहुत फ़ख्र हुआ उन पर तो ये एक जर्नी था ठीक है एक यंगर स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट का वाक्य बादशाह के साथ फिर एक स्टूडेंट कैसे एक स्टूडेंट होके बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और उसके बाद और एक स्कॉलर बने ठीक है तो उस टाइम का एक इंस्टीट्यूट था निज़ामिया इंस्टीट्यूट उस निज़ामिया इंस्टीट्यूट में उनको एक सबसे बड़ा अहदा मतलब एज ए प्रेजिडेंट जिसको हम कहेंगे कि जिसके नीचे सारे आ, दूसरे स्कॉलर्स काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा पोस्ट उस टाइम का कहलाता था कि आ, मतलब आ, हर कोई ये चाहत रखता था कि आ, हमें ऐसा पोस्ट मिल जाए तो इमाम अलगज़ाली को रहमतुल्लाह रहा को यह पोस्ट मिला और आ, कुछ टाइम कुछ टाइम इस पोस्ट पे काम करने के बाद उनको ये लगा क्योंकि सारे मुलाजिम तो उनके नीचे ही काम कर रहे थे और उनको लगा कि यार कितना करप्शन है इन स्कॉलर्स में कितनी करप्ट स्कॉलर्स है और इनका इलम सिखाना सीखना तो बस एक फॉर्मेलिटी है और ये तो बस अपने नाम नहाद दौलत शोहरत डिबेट वगैरह वगैरह की खातिर कर रहे हैं तो इनमें तो अखलास तो कुछ भी नहीं है तो इमाम साहब उस पोस्ट से थोड़ा मतलब तंग आ गए तंग आने के आने के बाद वहाँ से रिज़ाइन दिया तो ये रिजाइन रिजाइन ऐसे जॉब से रिज़ाइन देना भी एक एक ख़ास कुर्बानी है क्योंकि जिसके लिए सब चाहते थे कि काश मुझे ऐसा पोस्ट मिल जाए इमाम अल गजाली रहा के पास एक पोस्ट था लेकिन उन्होंने इसको छोड़ दिया छोड़ा इसलिए क्योंकि उनको लगा कि वहाँ का माहौल ठीक नहीं था और ये चीज़ बहुत परेशान की उनको और उन्होंने उन्होंने कहा कि देखिए जिस उम्मत का आलिम, जिस उम्मत के सुॉलर क्या है करप्ट है वहाँ की जो वो जो उम्मत है उम्मत के लोग भी वैसे ही करप्ट होंगे क्योंकि इसकी एक इसका एक हदीस भी है रसूल पाक वसल्लम ने भी फरमाया है इसमें कुछ हदीसें हैं के मतलक जो इलम वाले हैं उनके मतलक कि आ, आ, मतलब मेराज के दिन जब वो मेराज के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि उनको बहुत ख़तरनाक अजाब चल रहा था कुछ जहन्नम की सलियाँ ऐसा कुछ टाइप का उनके ज़ुबान में लगी हुई थी तो फिर आप अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि भाई ये कौन लोग हैं जिनको ऐसा अजाब चल रहा है तो फरमाया गया कि ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया में दूसरों को कुछ हुक्म देते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे तो ऐसा ही कुछ वाक्य उस टाइम के आलिमों के साथ था उस स्कॉलर्स के साथ था वो लोगों को हुक्म तो करते थे लेकिन खुद उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं होती थी तो पूरे करप्ट मतलब नट्शल में हम ये कहेंगे पूरे करप्ट हो गए थे तो ये सारा सीन देखने के बाद इमाम साहब अम्मा उन्होंने क्या किया वो दस साल के लिए इनविजिबल हो गए दस साल में उन्होंने बैतुल्ला का हज किया और आ, मतलब इसी दौरान वो ट्रेवल भी करते रहे और 10 साल के बाद उन्होंने उन्होंने एक अपना सबसे बड़ा काम सबसे खास काम जो मुसलमानों का एक किताब की शक्ल में यियाुद्दीन के ज़रिए पेश किया उलूमुद्दीन का मतलब है देखिए उलूमुद्दीन का मतलब है रिलीजस साइंस साइंसेस ऑफ रिलिजन ठीक है और इहिया का मतलब है उसमें जान डालना क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था वो बस आ, वो जान निकल गई थी रिलीजन इस्लाम तो था लेकिन जान निकल चुकी थी क्योंकि करप्शन इतना था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने इस किताब का नाम दिया इहिया मतलब एक जान डालने वाला किस में रिलीजस साइंस में तो ये किताब कुछ शायद 16 या 18 जल्द पर मुश्तमिल थी और ये किताब पूरा एक आ, है ना वो एक इनकलाब लेके आई लेकिन उसी दौरान एक स्टूडेंट फिर आए आ, इमाम ग़ज़ाली रमतल के पास फरमाया कि आ, इमाम साहब ये किताब तो बहुत बड़ी है इस किताब को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होगा कौन इतनी बड़ी किताब पढ़ेगा तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था स्टूडेंट ने तो इमाम साहब ने कहा ठीक है आप असर के बाद आ जाइए मैं इसका एक समर ही आपको देता हूँ तो फिर असर के बाद ये तालब इम आया तो इमाम साहब ने शायद असर टू इस, इस ऐसा कुछ है या असर टू मगरब इसमें आप आ, इमाम अलगज़ाली रहा ने पूरे जो उनकी एक अठारह अठारह जल्द पर मुश्तम किताब थी उसको बयान किया उसको एक उसका एक समरी दिया अपने इस तालब इलम को और वो समरी का नाम कहलाता है द बिगिनंगस ऑफ गाइडेंस बदायातल सेवेंटी पेजेस की बुक है छोटी सी किताब है इंसान पढ़ना चाहे तो तीस तीन घंटे में पढ़ सकता है लेकिन इसका पढ़ना काफ़ी नहीं है इसके हर हर पेज पे एक चैप्टर इंसान पढ़ेगा उस पे अमल करनी है अगर अमल की तो मतलब फिर मतलब अल्लाह ना वो ओशनज़ ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं समंदर आ, इल्म का समंदर अता कर सकता है लेकिन मसला है कि अमल